हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल विद पैशन। मैं हूं आपकी स्वाति एंड ये गर्म पानी जो अभी मैं केटल में से डाल रही हूं, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुकी हूं मेरे चैनल पे। एंड गर्म पानी के क्या क्या यूज़ेस होते हैं मैंने उसमें बहुत अच्छी तरह बताया है। एंड इस कोरोना सीज़न में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, लेकिन यूज़फुल वीडियो जब भी बनाते हैं तो लोग उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं देते, बट स्टिल कोई ना कोई एक इंसान को भी अगर वो यूज़ हो जाए तो काफ़ी है मेरे लिए, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाया है। तो आप भी अगर फॉलो करना चाहे कर सकते हैं, आई बटन में मैंने वीडियो का लिंक ऐड कर दिया है। हेलो एवरीवन, सो डिनर हो चुका है एंड अभी मेरी हाउस हेल्पर नहीं है, सारा काम मतलब एवरीथिंग आई एम ओनली मैनेजिंग। सो डिशवॉशर में मैंने आज दोपहर को ही बर्तन लगा दी थी, क्योंकि कल रात को भी मैंने डिशवॉशर ऑन नहीं किया था तो इसलिए ऑन कर दिया था। वो सारे धुल गए, अभी थोड़े से बर्तन बचे हैं यहाँ पे जो मैं सोच रही हूँ धो दूँ, क्योंकि अभी इसको खाली करने का मेरा बिल्कुल दिल नहीं हो रहा है एंड इतना हेक्टिक शेड्यूल हो गया है कि मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। यूट्यूब भी देखना पड़ रहा है, मेरी वेबसाइट का भी पूरा टेक केयर करना पड़ रहा है। सो सब कुछ व्हाट हैपेंड, चटाक आया है, छोटू आया है यहाँ पे। सो और हमारे सामने वाले जो है ना, उनका मैंने बहुत दिन से दिखाया भी नहीं ना आपको, रोड जो कंस्ट्रक्शन मतलब जो भी कंकर और रेत पड़ा रहता तो वो सब क्लियर हो गए। गेट के पास जो भी रैम्प वैम्प है वो पूरा रेडी हो गया, मैं कल सुबह दिखाऊंगी आपको। उनका कल गृह प्रवेश है शायद से, क्योंकि उन्होंने जो मैंगो के वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, मैंगो के पत्तों के जो लगाते हैं ना लड़ी टाइप, वैसे लगा रखी है। और अभी क्लीनिंग चल रही है, वहाँ पे धो रहे हैं, जो पार्किंग का फ्लोरिंग का पहले हुआ रहता वो सब हो गया है। सो सफाई में लगे हुए हैं, कल कब है वी तो डोंट नो। तो मैं भी यहाँ पे किचन में खड़े खड़े देख रही थी कि क्या कर रहे हैं करके, कभी कभी ऐसी चीज़ें देखते देखते ऐसे टाइम निकल जाता है ना। तो मैं पहले यहाँ पे बर्तन मतलब सारे ऑर्गेनाइज जो करना है ऑर्गेनाइज जो धोने वाले सिंक में डालने वाले थे, मेरे हस्बैंड बुलाए जा रहे हैं कुछ आ रहा है टीवी में इधर आओ करके वो देखने के लिए बुला रहे थे। सो मैं फिर वहाँ गई एंड 15-20 मिनट बैठ गई उसको देखने के लिए एंड अभी फिर से जो है किचन में आई हूँ। सो पहले इसको क्लियर कर लेती हूँ मैं। तो बच्चों के लिए इवनिंग के लिए चावल रखा था, हमने तो रोटी खाई है लेकिन थोड़ा सा बच गया इसलिए मैं दूसरे बॉक्स में डाल के बाथरूम में बोल रही थी फ्रिज में रख दूंगी। एंड पता नहीं क्या हुआ, मेरा माइक्रोवेव काम नहीं कर रहा है, ऑन तो हो रहा है बट मैं कुछ भी रख रही हूँ तो गर्म नहीं हो रहा है। अब इसको लगता है रिटायरमेंट का टाइम आ गया है, नया लेना पड़ेगा क्योंकि हीट नहीं हो रहा है। इससे पहले भी एक बार प्रॉब्लम आई थी तो इसको दुकान पर दिया था, तो दुकान वाले ने जो है इसको ठीक ही नहीं किया बहुत टाइम, 3-5 महीने शायद अपने पास ही रखा एंड जब इन्होंने फ़ोन करके डांटा तब जाके उसने फिर दिया था। एंड अभी शायद दोबारा वही प्रॉब्लम है एंड रिपेयर में भी उस टाइम पे 2,000 या 2,500 लगे थे, तो इतना पे करने से अच्छा आप नए पे चले जाओ, थोड़ा सा पैसा ऐड करके दैट विल बी बेटर, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की जो लाइफ होती है ना एक पीरियड तक रहती है, उसके बाद चेंज कर लेना बेटर है। यहाँ पे थोड़े बहुत ही बर्तन है, एक राइस कुकर है, एक दूसरा वाला कुकर है एंड एक टिफ़िन बॉक्स है जिसमें मैंने आटा गूंद के रखा हुआ था। एंड पीछे से जो है अभिषेक था आके, क्योंकि कैमरा ऑन था तो वो छोटू राम दिख नहीं रहा था इसलिए कूद कूद के ट्राई कर रहा था कि मैं भी दिख जाऊँ। बर्तन धुल चुके हैं और अभी मैं गैस भी साफ़ कर ले रही हूँ। मुझे ये पता नहीं, अगर मैं साफ़ बिना करे सोती हूँ तो मुझे जल्दी नींद भी नहीं आती है, ये टेंशन होती है कि सुबह फिर उठ के साफ़ करना पड़ेगा। एंड कभी मैं डेयरिंग करके अगर छोड़ भी दूँ, आलस कर जाऊँ, तो सुबह उठने के बाद जो काम फास्टली हो सकता है वो हो नहीं पाता है, बिकॉज़ वो मैस आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करते रहता है। तो चाहे कितना भी टाइम हो जाए मैं साफ़ करके ही सोती हूँ, तो रोज़ मुझे सोते सोते वैसे 12 तो बज ही जाते हैं, अभी आदत पड़ चुकी है क्या करें, बट सफाई करके ही सोती हूँ। सो फाइनली किचन की पूरी क्लीनिंग हो चुकी है एंड सामने वाला
आपको एक झलक दिखाई देती क्योंकि क्लीनिंग कर ही रहे हैं अभी वो। सो वो देखो अंदर पूरा फ्लोरिंग जो है धो दिया है एंड गेट्स भी लग गए हैं और रैम्प भी बन चुका है तो अभी साफ दिख रहा है। इतने दिन से जो है कुछ ना कुछ जब चल रहा था तो ये रोड एकदम बहुत मैसी मैसी दिख रही थी, अभी थोड़ा ठीक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है ना। एंड ऊपर भी लाइट है, सब लगा दिए तो लाइट जल रही है। सो इन्होंने कोई डेकोरेशन तो नहीं करी है, पता नहीं कुछ मुहूर्त अर्जेंट निकला हो सकता है तो उतना टाइम नहीं मिला होगा। सो मैं उस चीज़ की बात करी थी, देखो वो मैंगो के वो ये है ना जो तोरण बोलते हैं ना वो तोरण लगा रखे। हर किसी के आचार प्रचार ना डिफरेंट रहते तो देखने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड ये जब मैं इसकी बात कर रही हूँ ना, हम जोधपुर में रहते थे, राजस्थान में आता है, तो वहाँ पे हम ऊपर रहते थे, नीचे दूसरे लोग रहते थे। तो वहाँ पे दीदी ना जब भी कपड़े धोती थी मैं ऊपर से अच्छी तरह ऑब्जर्व करती थी कि कितनी बार वो हाथ से ऐसे मतलब उसको खंगाल रहे हैं फिर मार रहे हैं, तो मतलब देख के एक तरह का सेटिस्फैक्शन आता था। और जब भी मैं ऐसे ट्रेडिशन देखती हूँ ना हर किसी का, मतलब एक देश में इतनी सारी लैंग्वेजेस है, इतने सारे स्टेट्स है, और आपके घर के बाजू में भी जो चार लोग आपके साथ रहते हैं उन चारों का भी भगवान को पूजने का तरीका अलग होता है, हर फेस्टिवल को बनाने का तरीका अलग होता है, तो देख के बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी। सो यू विल ऑल्सो गेट अ गुड फील। देखने में तो फ्रेश लग रही हूँ, गला थोड़ा सा क्या बोलते हैं मॉर्निंग में उठने के बाद ऐसी क्या बोलते हैं एकदम मोटी आवाज़ निकलती रहती है। तो रात को मैंने एक वीडियो शूट किया था सोने से पहले एंड उसके बाद जो है मैंने मेकअप रिमूव नहीं किया एंड मतलब पता ही नहीं चला मुझे कब नींद आ गई। मैं सोच रही चलो अभी करेंगे ऐसे लेटे मुझे नींद भी आ गई तो मैंने रिमूव नहीं किया। फेस बड़ा फ्रेश सा दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है काजल भी रिमूव नहीं किया। वीडियो बनाने से पहले बस मैं हमेशा काजल एंड लिपस्टिक लगाती हूँ, बाकी सब तो ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। एंड मॉर्निंग सबसे पहले गर्म पानी, कुछ भी मिक्स नहीं किया, प्लेन गर्म पानी है एंड इतना ग्लास काफ़ी है। अगर आपको अच्छा लगता है तो 2 ग्लास भी पी लो तो भी अच्छा है। फिशेस को भी दाना डालना है, वेट कर रही है मेरा, मैं पानी पी रही हूँ मुझे दाना कौन डालेगा। चलो पहले डाल देती हूँ। इनके फ्रेश होने के आने से पहले मैं अपना मॉर्निंग का जो गर्म पानी वाला रूटीन जो भी होता है ख़त्म कर लेती हूँ। और जब ये रेडी होके आ जाते हैं, मतलब नॉट नहा के ब्रश वश करके थोड़ा हल्के होके आ जाते हैं, उसके बाद मैं चाय लेके आती हूँ। तो मैंने गर्म पानी पी लिया, उसके बाद कम से कम 20-30 मिनट्स का गैप होना चाहिए तब आपको चाय पीनी है। तो मैं यहाँ पर हमारे मग्स में चाय लेके आ चुकी हूँ एंड एक बैड न्यूज़ ये है कि अभिषेक ने कल ये कप एक गिरा दिया एंड उसकी जो हैंडल है ना वो टूट गई, लेकिन बेटर थिंग इज़ कि उसको चिपकाया जा सकता है, इतना बुरी तरह नहीं टूटा, तो थोड़ा चिपकाना पड़ेगा। सो आदित्य के बाल बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, इतने दिन से कटिंग करने की सोच रही थी, उसके आँखों में आ रहे थे, इतने लंबे हो रहे थे बाल। सो मैं 2-3 दिन से बोल रही थी इनको कि कटिंग वाले भैया को बुलाओ करके। सो ओ यहाँ पे कब दीवार बनी यार, मैं तो देखा ही नहीं। ओके
मतलब बिल्कुल बाहर आना होता ही नहीं। पहले बनाई कि वहाँ पे ना एक्चुअली ओपन रहता था, दीवार बनाई है पता नहीं किस चीज़ के। सो इसलिए आदित्य की जो है कटिंग हो रही है। अभिषेक को तो हमेशा जो है टकला ही होना होता है, अभी वो सो रहा है और उसके बाल तो टकला होने के बाद अभी आए हैं, सो अभी कटिंग की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। अगर जग गया होता तो करा देते। एक मिनट अंडे ले लें। सो सब्ज़ी वाले भैया जो अंडे की ट्रे नहीं लेके आ रहे, बोलते बहुत ज़्यादा लोग खरीद रहे तो वो नहीं लेके आ रहे इसलिए। एंड सामने का जो गृह प्रवेश है उनका हो गया है, दिखाया था ना मैंने आपको, तो ओनली उन्होंने अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाया है। प्रॉब्ली मुहूर्त जो है कुछ होता है ना मुहूर्त का सीन। एंड आज ब्रेकफास्ट में क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। कल मैंने ब्रेकफास्ट में पूरी बनाई थी क्योंकि आदित्य बोल रहा था मम्मी पूरी खानी है करके, तो फिर मैंने उसके लिए बना दी। एंड उसके बाद मैंने भी खाई, कितनी खाई थी, 3 खाई थी, इतनी इतनी तो पूरी ही रहती है। सो मेरी डाइट में ऐसा है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि आप ये क्यों खा रहे हो वो क्यों खा रहे हो, मेरे डाइट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ये नहीं खाना है या वो नहीं खाना है। पोर्शन जो है आपको पता होना चाहिए आपको कितना खाना है, कितने ग्राम्स खाना है या जो भी है, क्वांटिटी कितनी लेनी है, तो उस हिसाब से आई एम गोइंग करेक्टली। सो ये मत समझना कि पूरी खा रहे हो या कुछ और खा रहे हैं। मतलब अब तो स्ट्रिक्टली फिर से शुरू कर दिया, इससे पहले तक तो थोड़ा सा चीट विंग वाला स्टफ़ चल रहा था, लेकिन अभी ऐसे नहीं कर रहे हैं। आई एम वेरी स्ट्रिक्ट एंड जब मैं स्ट्रिक्ट हो जाती हूँ ये ऑटोमेटिक मतलब फॉलो कर लेते हैं फिर वही। आज कोई छुट्टी नहीं है बट इनको ऑफिस जाना है तो ये नहाने के लिए चले गए। एंड आदित्य की कटिंग होने के बाद फिर उसको फटाफट नहलाना है अभी। तो मैं सोच रही थी आज ब्रेकफास्ट में सेमियाँ बना दूँ, बिकॉज उसको समझ ही नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। क्या बोलते हैं जो घर के आइटम्स होते हैं वो भी ख़त्म हो गया, आटा ख़त्म हो गया, तेल थोड़ा मतलब एक पैकेट कल ही मैंने ओपन किया था, तेल तो चलेगा एक हफ्ता। एंड बहुत सारी जो चीज़ें हैं ग्रॉसरी आने के बाद, जब मैंने बिग बास्केट से बुक करी थी उसके बाद ह्यूज क्वांटिटी में कुछ बुक नहीं किया, थोड़े बहुत जो सामान चाहिए होते थे सुपरमार्केट से लेके आ जाती थी। सो अभी मैं इनको बोल रही थी कि मैं मंगा लूँ कि बिग बास्केट से कि यहाँ से लेके आ जाए, तो इन्होंने बोला शाम को जाएंगे या दोपहर को जाएंगे लेके आ जाएंगे थोड़ा बहुत जो ज़रूरत का है, थोड़ा थोड़ा क्वांटिटी में, अगर ज़्यादा चाहिए होगा देन वी विल सी करके। क्योंकि इससे पहले जो बिग बास्केट वाला इशू हुआ था ना उसको सॉर्ट आउट में कम से कम 1 महीना लग गया था, तो आई वाज लाइक कि उसमें अभी COD पेमेंट तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा था उस टाइम पे, अभी कर रहा है कि नहीं पता नहीं। ऑनलाइन पेमेंट अगर कर भी रहे हैं तो वो शो नहीं कर रहा है उनका, तो फिर वो दिक्कत है ना इसलिए। एंड मॉर्निंग रूटीन के बाद बच्चों को नहलाना इन सब चीज़ों में बिज़ी हो गई थी। एंड उसके बाद मुझे ये वाला वीडियो शूट करना था, कर्टेन वाला जो आप देख चुके होंगे, फिर भी मैं आई बटन में इसका भी लिंक ऐड कर चुकी हूँ, आप उसको वॉच कर सकते हैं, अफोर्डेबल रेट में है। सो दिस इज़ द वीडियो फॉर द डे। तो अगर अच्छा लगा है वीडियो तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए घंटी बजा के मेरे फर्दर वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।